हेलो जय माता दी। तो आज हम बनाते बेसन के मोदक। ये मैंने ऑनलाइन सांचे मंगाए थे। इस तरह एक मंगाया था, ये इसके साथ एक टफरी, और ये आते आते हो गए बहुत लेट। तो आज सोचती हूँ एक बार बना देते जब ये आए। अभी तो गणपति पूजा चल ही रही है, तो एक कटोरी बेसन डाल दे, थोड़े से बनाएंगे हम लोग। फिर न्यू सांचा है तो बना के देखते हैं, आओ बनाए जाते हैं नहीं बनते फिर। तो उसके लिए हमने पहले कढ़ाई में घी डाल दिया, और अभी एक कटोरी बेसन डाला है, और इसको अच्छे से भून लेंगे पहले बेसन को। थोड़ा सा बनाना है हमारे को प्रसाद के लिए, पर ट्राई करके कैसे बनता है। तो बेसन थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा और डाल के फिर भी हम इसको बेसन को अच्छे से भून लेंगे, जैसे प्रसाद के लिए भूनते हैं। ऐसे मोदक तो कई तरह के बनते हैं, चावल से भी बनाते हैं, पर अभी मैं बेसन से बना रही हूँ। गणपति पूजा तो कई दिन चलती है, तो अब देखते हैं कैसे बनते हैं। क्योंकि यहाँ सांचा नहीं था मेरे पास, तो प्लास्टिक का ही मंगाया फिलहाल। तो गणपति पूजा तो अभी खत्म होने जा रही है, तो इस तरह हम इसको अच्छे से भूनेंगे, टाइम लगेगा अभी। तो अभी बेसन हो ही गया हमारा, और ये घी छोड़ने लग गया है, तो हम इसमें चीनी डाल देते हैं बेसन में। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, हम इसमें दूध डाल देंगे। साथ में मलाई भी डाल देंगे उसमें। तो ये दूध हमारा थोड़ा ठंडा था, इसको अच्छे से पकने देंगे, अच्छे से बनाएंगे। और हमने इसमें मलाई भी डाली है, थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है। मैं भी वो ड्राई फ्रूट पहली बार यूज कर रही हूँ, तो थोड़ा दूर ही रखा है, कहीं गिर गया तो कढ़ाई में ना गिर जाए, इसलिए। उसको अच्छे से होने देंगे। तो जब तक कढ़ाई ना छोड़े तब तक इसको मिक्स करते रहेंगे, जब हो जाएगा तो कढ़ाई छोड़ देगा ये।
इस तरह बेसन का हलवा बना देते। बेसन के हलवे में थोड़ा घी ज़्यादा डालती, इसमें कम डालेगी क्योंकि इसके हमारे को मोदक बनाने बाद में। तो ये ऐसे बन गया है इस तरह से। और अभी हम इसको ठंडा होने देंगे, तब इसके मोदक बनाएंगे। अभी बनाएंगे तो ये फिर गरम गरम है, बहुत गरम है, तो इसको हम ठंडा होने देते हैं अभी। इस तरह हमारा तैयार हो गया है। और ये सांचे है पीले पीले, फिर इसको बनाते हैं हम 10-15 मिनट बाद में। बस फटाफट बन जाते हैं मोदक, और अपने गणपति भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो हमारे भी बन जाएंगे थोड़ी देर में। तो अभी बनाने शुरू करते हैं हम मोदक। इसमें पहले थोड़ा थोड़ा घी तेल लगा सकते हैं, और इस तरह से रख सकते हैं, और ऐसे बंद करके जो फालतू होगा वो बाहर आएगा। और इस तरह से मोदक हमारा तैयार हो जाएगा। और इस तरह से ये हो गया हमारा मोदक तैयार। इसी तरह से हम बहुत सारे बना देंगे। छोटा सा सांचा है, मैंने सांचा मंगाया, मैं सोचा वो गणपति पूजा में आ जाएगा, वो 4-5 दिन पहले ही ऑर्डर किया था, पर वो लेट आया। और देखने में वो ऑनलाइन बड़ा लग रहा था, जब आया ना वो आया बहुत छोटे छोटे। तो चलो पूजा के लिए तो काफ़ी है, हमारे कौन सा ही करना, छोटा ही काफ़ी है। तो इसी तरह से हम सारे मोदक बना देंगे। असल में मोदक चावल और नारियल के बनाते, पर आज ही आया तो इसलिए सोचा भगवान को चढ़ा देते, फिर तो गणपति पूजा भी खत्म हो जाएगी। और अभी फिर चावल इधर आटा नहीं मिलता, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ऐसे ऐसे बन जाते फटाफट। तो हम ज़्यादा नहीं बना रहे, बस थोड़े से बना के देखते हैं। नया सांचा भी था तो भगवान के नाम से मंगाया भी है, तो ये सोचा कि बना ही लेते हैं। ऐसे बन जाएगी ये ना, गरम गरम है अभी, हाथ जल रहे हैं इसमें, तो ठंडा हो जाएगा तो फटाफट बन जाएंगे। वैसे तो ज़्यादातर ऑनलाइन वो महाराष्ट्र में मोदक बनते, पर आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता, तो हम भी इनका सांचा लेके आएंगे। मोदक तो कई तरह से बना सकते, जैसे ड्राई फ्रूट से बना सकते हैं, नारियल से बना सकते हैं, और असल में जो मोदक बनते वो चावल के आटे और नारियल से बनते। तो हम लोग बेसन से बना रहे हैं, बेसन से भी बनाते, बेसन से लड्डू भी बनाते लोग गणपति के लिए, और मोदक भी बना सकते हैं। तो हम लोग भी बना रहे हैं।
इसमें से ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं, पर मैंने तो कुछ नहीं डाला है। हाँ, दूध में बना दिया है। तो इसी तरह बनाते। तो ये तैयार हो गए मेरे मोदक बनके गणपति जी के लिए, और अभी हम करेंगे पूजा और भगवान को चढ़ाएंगे मोदक। इस तरह से बनाए। ऐसे तो चावल के आटे से और नारियल से बनते, पर बेसन से भी बना सकते, कि बेसन के लड्डू भी चढ़ते भगवान को पहले बना के चूल्हे पर रख दिए, और फिर इधर बनाए हमने। ज़्यादा नहीं बनाए मैंने, थोड़े से बनाए। मैं अकेली थी और मेरे से इतने अच्छे से वीडियो नहीं बना है, क्योंकि वो ये ट्राइपॉड मंगाया था मैंने, और ये पता नहीं कैसे इसमें थोड़ा ऐसे टेढ़ा करो तो मोबाइल गिर जाता है, और ऐसा सीधा रखने से कढ़ाई नहीं दिखती है, इसलिए जैसे तैसे बना दिया। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और ऐसे बोलते हैं कि जब पहली बार गणपति भगवान अपनी नानी के घर गए थे, उस टाइम तक वो कुछ नहीं खाते थे, तो उनकी नानी ने उनके लिए मोदक बनाए थे, और उसके बाद उनकी मम्मी को भी पता चला कि गणपति को मोदक बहुत पसंद है, वो तब से उनको मोदक बनाए जाते हैं, और हम लोगों ने भी बना दिए। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, लाइक ज़रूर करना। अगर लाइक करते हैं ना, वीडियो अच्छा भी ना लगे तो वीडियो आगे दूसरे तक भी पहुंचता है। और क्या, छोटा सा वीडियो है।